तो चलिए स्टार्ट करते हैं C++ ग्राफिक का यूज़ करके ट्रेन ड्रॉ करने के लिए। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मान के चलता हूँ कि इनके बारे में आपको पता होगा। मैंने यहाँ एक्स्ट्रा बस एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम ट्रेन है और उसे डिक्लेयर कर दिया। ग्राउंड बनाएंगे, बैकग्राउंड के लिए आउट टेक्स्ट XY, हम स्टार, इसे हम स्टार प्रिंट करेंगे। हम इसी को कॉपी करके इसकी पोजीशन को बस चेंज करेंगे। इंसर्ट एंड पेस्ट के लिए C+ इंसर्ट। अब इसकी हम पोजीशन को चेंज करेंगे। अब मैं इतना आपको रन करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। मून बनाने के लिए सर्कल, इसकी एक्स की वैल्यू 295 एंड वाई की वैल्यू 60 और इसका रेडियस देते हैं 40। ठीक है, अब इसको हम वाइट कलर से स्टाइल एंड देन कैपिटल में लिखेंगे सॉलिड अंडरस्कोर फिल एंड 15 एक्चुअली में वाइट कलर का कोड है, इसके जगह आप कैपिटल में वाइट भी लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। 296 प्लस 70 एंड 15। अब हम इसको रन करते हैं तो स्टार और मून दोनों तैयार हैं। स्टार की थोड़ी सी कमी है इसलिए हम थोड़ा और स्टार लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक आउट टेक्स्ट जो पहले कॉपी करके रखे थे उसी को लिखेंगे और थोड़े पोजीशंस को चेंज कर देंगे। इसके पोजीशंस को चेंज करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, और इसको रन करते हैं तो स्टार थोड़े ज़्यादा हो गए हैं और ये अच्छा भी लग रहा है। बॉक्स बनाने के लिए रेक्टेंगल का यूज करते हैं, कलर भी देते हुए चलेंगे। तो इसको हम कलर देते हैं ऑरेंज एंड ऑरेंज कलर देने के लिए फिल स्टाइल आगे और पहले हम एक और बॉक्स बनाते हैं। अब इसको हम थोड़ा ग्रे कलर देंगे ऊपर के बॉर्डर्स को। उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं,
position और विंडो हम बनाते हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसके पोजीशन इसको हम चेंज कर देंगे। अब हम इसके आगे का तो एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, ये बना लेते हैं। हमको कलर चेंज करना पड़ेगा, तो सेव कलर ऐड कर लेते हैं एंड देन एक सर्कल सर्कल रहूँगा रिटर्न एंड रेडियस है, उसको हम कलर भी कर लेते हैं साथ ही। पोजीशन को हम चेंज कर लेते हैं, रेक्टेंगल का यूज करके बॉक्स बनाएंगे। हम सेट कलर करते हैं इसे, आपको रन करके दिखाऊं तो कैसा दिखेगा। दो डब्बे हमारे ट्रेन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम रेक्टेंगल लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये कंप्लीट हो गया है 84 एंड 406। ये फिर कंप्लीट रेक्टेंगल लिया, अब सही है। जिसके लिए दो पहिए लगेंगे, उन दो पहियों के लिए हमें सर्कल का यूज करना पड़ेगा। इसके इसके कलर सही है, एक पहिया कंप्लीट। दूसरे पहिये को भी बना लेते हैं 364 and 410 and 12। इसके कलर के लिए कंप्लीट हो गया है।
मैं इसको रन करूँ तो ये लगभग सब कंप्लीट हो चुका है। इसको रन करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा सेवन सब कंप्लीट हो चुका है। चलिए सर्कल ड्रॉ करते हैं। और अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसे रन करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे हम कंसोल पर मूव करने के एक लूप बनाएंगे। और लूप का यूज करेंगे। और का यूज करते हैं आई जो हमारा जीरो से स्टार्ट होगा सबसे लास्ट में कर ली पड़ेगी में सबके एक्स की वैल्यू को एक एक बढ़ाएंगे। उसके लिए हमको प्लस आई लगाना पड़ेगा इन सब में। कंप्लीट हो चुका है तो अब इसे रन करके देखते हैं। उससे पहले हम कंपाइल कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आई बटन में क्लिक करके जाकर उसे भी देख लीजिए। और इस प्रोग्राम का सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं।